केरल पुलिस ने सोमवार को बताया कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के नेता KS शान की हत्या के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने भाजपा के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश इकाई के सचिव रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में अहम सुराग मिलने का दावा किया है। हत्या के इन दोनों मामलों की जांच विशेष जांच दल कर रहा है। SIT का नेतृत्व कर रहे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADGP कानून एवं व्यवस्था विजय साखरे ने बताया कि शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि शनिवार रात को शान की हत्या में 10 आरोपी शामिल थे। उन्होंने बताया कि शान की हत्या के संबंध में प्रसाद और रतीश को गिरफ्तार किया गया है और हत्या में शामिल 8 अन्य लोगों की भी पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस दलों को तैनात किया गया है। सखारे ने बताया कि प्रसाद शान की हत्या का मुख्य षड्यंत्रकर्ता है और उसी ने हत्या की योजना बनाई तथा लोगों एवं वाहन का प्रबंध किया। उन्होंने बताया कि पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि क्या SDPI नेता की हत्या के पीछे कोई और बड़ा षड्यंत्र है। उन्होंने श्रीनिवास की हत्या के मामले की जांच के संबंध में हुई प्रगति की बात करते हुए दावा किया कि हत्यारों के बारे में ठोस सुराग मिले हैं। पुलिस के अनुसार श्रीनिवास की हत्या में शामिल करीब 12 लोगों के बारे में ठोस सुराग मिला है और उनकी पहचान की पुष्टि की जा रही है। उन्होंने इस संबंध में और जानकारी देने से इनकार कर दिया लेकिन कहा कि पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि इस हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। यदि कोई बात सामने आती है तो इसमें शामिल लोगों को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा।